दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर कल्याण होम्योपैथी क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों आज हमने वीडियो का विषय लॉस ऑफ एपेटाइट एनोरेक्सिया पे लिया है, यानी भूख न लगना। भूख न लगने का सबसे मुख्य कारण जो है वो मेंटल साइकोलॉजिकल कारण है, जैसे तनाव, दुख, चिंता या डिप्रेशन, इन कारणों से भूख नहीं लगती है। इसके अलावे बहुत सारा शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी भूख नहीं लगती है। इसके अलावे थायराइड की बीमारी, टीबी की बीमारी, पुरानी लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी या कैंसर या बर्न की इन्फेक्शन या किसी बीमारी में बहुत समय तक यदि हम लगातार एलोपैथ दवा का सेवन करते हैं उसकी वजह से भी भूख नहीं लगती है, तो भूख न लगने का ये सारा कारण है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट का सबसे मुख्य दवा है वह है अल्फाल्फा की। जब किसी बीमारी के बाद यदि भूख की कमी होती है तो अल्फाल्फा एक खास दवा होता है, या किसी नर्वस बीमारी के बाद भूख की कमी होती है या भूख की कमी के साथ साथ शरीर में बहुत बड़ा थकान बना रहता है, वजन की कमी होते जाती है, तो उस कंडीशन में अल्फाल्फा क्यू आधे कप पानी के साथ 20-20 बूंद दवा 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो कुछ ही दिनों में एक नॉर्मल भूख आने लगेगी। अगली दवा है एंटियम क्रूड। एंटियम क्रूड 30 नंबर। यदि किसी बीमारी के बाद भूख न लगे और मुंह में लगातार बिटर टेस्ट यानी तीता एक स्वाद बना रहे और जीभ पर एक सफेद आवरण जैसे लगता है कोई सफेद कलर से पोता हुआ है इस तरह का हो और रोगी खट्टा चीज खाना पसंद करे तो एंटियम क्रूड 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो एक स्वाभाविक भूख आना शुरू हो जाएगी। अगली दवा है सोरिनम। सोरिनम 200 नंबर का सेवन करेंगे। यदि किसी नई बीमारी के बाद भूख न लगे और प्यास बहुत अधिक हो और रोगी को जो ढकारा है उसमें सड़ा हुआ अंडे का स्वाद हो तो सोरिनम 200 नंबर सुबह शाम 2-2 बूंद करके सेवन करेंगे तो स्वाभाविक भूख आना शुरू हो जाएगा। अगली दवा है चाइना। चाइना की पोटेंसी का सेवन करेंगे। भूख लगता है पर थोड़ा सा खाने पर पेट भरा भरा सा अनुभव होने लगता है और पूरा पेट गैस से भरा हुआ रहता है। यदि इस तरह का लक्षण है और खास करके यदि मलेरिया बुखार के बाद भूख नहीं लग रही है तो चाइना क्यू आधे कप पानी के साथ 15-15 बूंद दवा 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो एक स्वाभाविक भूख आना शुरू हो जाएगा और पेट में जो गैस है वह भी नॉर्मल हो जाएगा। अगली दवा है कैप्सिकम। यदि भूख की कमी के साथ रोगी को मितली या उल्टी का शिकायत हो और खास करके यदि भोजन को गंध से मितली आने लगे तो कैप्सिकम 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे एक स्वाभाविक भूख आना शुरू हो जाएगा। अगली दवा है इग्नेशिया। यदि किसी डिप्रेशन के बाद या किसी चिंता तनाव के बाद भूख न लगे तो इग्नेशिया 30 नंबर 2-2 बूंद करके 4 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे एक स्वाभाविक भूख आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगली दवा है नक्सबोम। नक्सबोम 30 नंबर। यदि किन्हीं को कब्जियत के साथ भूख की कमी है या जो एल्कोहलिक हैं, जो शराब पीते हैं और उनको भूख नहीं लग रहा है या रात में जगने के बाद भूख नहीं लग रहा है या एलोपैथ मेडिसिन खाने के बाद भूख नहीं लग रहा है तो नक्सबोम 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे एक स्वाभाविक भूख आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इन लक्षणगत दवाओं के साथ R31 नंबर की दवा आधे कप पानी के साथ 10-10 बूंद दवा 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे एक स्वाभाविक भूख आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अब अंत में आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।